ये है एक स्मार्टफोन जो ऑलमोस्ट सबके पास होता है और इसी फोन से मैं एक बिजनेस चालू करने वाला हूँ। अरे हाँ, तो मैं करने वाला हूँ ड्रॉप शिपिंग और उसके लिए मुझे सबसे पहले एक प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, यूथफुल हो और थोड़ा सा सस्ता हो ताकि बहुत सारे लोग उसे खरीद सके। तो मैं सबसे पहले गया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और वहाँ पे मैं एक वायरल ड्रॉप शिपिंग वीडियो ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर हम लोग वो प्रोडक्ट लेंगे जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा है तो हमारे सेल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर में एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया और ये था मेरा प्रोडक्ट हैंड ग्रिपर। अब देखो, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल जा रहा था और लोगों को भी ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा था। कहीं ना कहीं ये एक यूजफुल प्रोडक्ट था और थोड़ा सा सस्ता भी था, तो मुझे लगा कि यही सही प्रोडक्ट होगा और फिर मैंने उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि प्रोडक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने लिए एक वेबसाइट बना देता हूँ। अब देखो, जनरली मैं वेबसाइट पे दूसरे इमेजेस यूज करता हूँ जो मेरे खुद के नहीं हो, जहाँ मैंने खुद ने खींचे नहीं हो। मैं बेसिकली प्रोडक्ट को इंटरनेट पे ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं से फोटो ढूंढता हूँ और उनको अपने वेबसाइट में डालता हूँ, बट इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मेरा प्लान ये था कि जब वो प्रोडक्ट अमेजोन से मेरे घर पर आएगा, मैं उसे थोड़े दिन के लिए यूज करूंगा और उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल फोटोज लूंगा। कहीं ना कहीं ये प्लान अच्छा भी था, लेकिन शायद इसमें टाइम बहुत लग सकता था। फाइनली 5 दिन के बाद में ये हैंड ग्रिपर आता है मेरे घर पर, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मैंने मंगाया ये था और मुझे मिला ये था। अब देखो, अगर मैं चाहता तो मैं वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता था और जो दूसरा वाला जो मुझे चाहिए था वो मैं मंगा सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और मैं फिर से 5 दिन उस चीज़ के लिए वेट नहीं करूंगा। तो फिर मैं थोड़े टाइम में सोच में पड़ गया, लेकिन फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जो प्रोडक्ट आया मैं उसी को यूज़ करूंगा और उसी से अपनी वेबसाइट तैयार करूंगा। तो अब बारी थी उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने की। तो अगले 2 दिन तक लगातार हर रोज मैं वो प्रोडक्ट को यूज़ करता रहा और फिर जब मैंने मेरे रिजल्ट चेक किए तब कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल काम का नहीं है, पर जब मैं अमेजोन पे रिव्यूज देखने गया तो वहाँ पे लोगों ने ज्यादातर यही कहा था कि इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। अब मैं 2 से 3 हफ्ते वेट नहीं कर सकता और शायद इसी वजह से मेरा ये पूरा प्लान यहीं पर खत्म होने वाला था। तुम सही कहते हो यार, मैं हर 2 मिनट में डिप्रेशन में चले जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ चीज़ें ही ऐसी होती है। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, बट पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने प्लान भी तैयार रखा। मैं दूसरों के फोटोज मेरी वेबसाइट में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ये वाला ग्रिपर फेंका कचरे में और लग गया मेरी वेबसाइट की तैयारी में। तो सबसे पहले मैंने मेरे स्टोर का नाम बलवान स्टोर लिखा। पता है वहाँ पर स्पेलिंग में बलवन लग रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने एक तगड़ा सा लोगो बनाया कैनवा पे, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और फिर इंटरनेट पे मैं हैंड ग्रिपर के फोटोज, वीडियोस और जिप्स वगैरह सब कुछ ढूंढने लग गया। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद अब मेरे पास वो हर चीज थी जिससे मैं अपनी वेबसाइट बना सकूं। तो वेबसाइट बनाने के लिए मैं गया शॉपिफाई पे और मैंने वहां से एक 20 रुपीज का बेसिक प्लान परचेस किया और सिर्फ 3 घंटे में मैंने अपनी पूरी वेबसाइट तैयार कर दी। लेकिन मैंने इसमें एक पेमेंट गेटवे नहीं रखा, मैंने सीधा का सीधा कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम रखा, क्योंकि लोगों को कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा पसंद है। तो अब हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। मैंने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, वेबसाइट बना दी, लेकिन सप्लायर। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले मीशो पे गया और मैंने वहाँ पर हैंड ग्रिपर्स ढूंढे। तो वहाँ पर मुझे एक हैंड ग्रिपर का सप्लायर मिला जो 210 में एक पीस देने वाला था और मैं उसे आगे जाके 350 रुपीज में बेचने वाला था और मुझे हर सेल पर 140 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था। अब देखो, प्रॉफिट यहाँ पर कम है, लेकिन क्योंकि ये चीज थोड़ी सी सस्ती है, ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो अब मेरा 50% काम हो गया था। मेरे पास एक स्टोर नेम था, एक लोगो था, एक प्रोडक्ट था, एक सप्लायर था, एक वेबसाइट थी, लेकिन मेरे पास कस्टमर्स 0। तो बस अब बारी है कस्टमर्स को लाने की। तो सबसे पहले मैंने एक टारगेट कस्टमर चार्ट बनाया। तो अब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो कौन कौन इसको खरीदना चाहेगा। मैंने सोचा कि 18-24 एज के लोग ज्यादा खरीदेंगे, जेंडर में मैंने मेल रखा और इंटरेस्ट में बेसिकली स्पोर्ट्स, वेलनेस, फिटनेस, क्योंकि उन लोगों के चांसेस खरीदने के ज्यादा है। और मैंने फिर अपनी पूरी ऑडियंस को एकदम अच्छे से एनालाइज किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा प्रोडक्ट एक दूसरे टारगेट ऑडियंस के पास में जाए, जिन लोगों
वो इस प्रोडक्ट को खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तो फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पेज और एक फेसबुक पेज बनाया और फिर मैंने 2 से 3 दिन तक रैंडम फिटनेस वाली रील्स इन पेजेस पे अपलोड की, क्योंकि मैं चाहता था कि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो समझ जाए कि एक फिटनेस पेज है और उन्हीं लोगों को रिकमेंड करे जो फिटनेस या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बस वेट करते हैं कि कब मेरी इंस्टाग्राम रील्स वायरल होगी। तो अगले 4 दिन तक मेरी एक भी रील वायरल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि और वेट करने की ज़रूरत है। तो अगले 3 दिन तक मैं सोशल मीडिया पे वायरल फिटनेस वाली रील्स ढूंढ रहा था और उनको थोड़ा सा इधर उधर एडिट करके वापस से मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर रहा था। तो थोड़े दिन बाद में मुझे कुछ व्यूज़ आए, लेकिन मेरे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़े और वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स भी नहीं आए। पर मेरे पास एक ऐसा प्लान था जो सब चीज़ें बदल देगा। तो मैंने अपने रील्स में डालना चालू कर दिया कि जो भी मुझे फॉलो करेगा मैं उसे 1000 रुपीज़ वर्थ की एक फ्री फिटनेस गाइड दूंगा। अब ये जो फिटनेस गाइड थी वो मैंने इंटरनेट पे फ्री पे ढूंढ ली थी, लेकिन मैंने और भी 3-4 अलग अलग फिटनेस गाइड को कंबाइन किया और एक बना लिया। तो बस 1000 रुपीज़ वर्थ के एक फ्री गाइड सुन के लोग मुझे फॉलो करेंगे और मैं उन्हें वो फ्री गाइड दूंगा और मेरे फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ते रहेंगे। तो इस वजह से मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ने चालू हो गए थे और लोग भी मुझे DM कर रहे थे और मैं उन्हें एक फ्री फिटनेस गाइड दे रहा था। फिर एक दिन बाद में मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरी एक रील वायरल हो गई है और उस रील को ऑलमोस्ट 6000 व्यूज आए और मुझे मेरे स्टोर पे पहला ऑर्डर मिल गया। और अब ये तो कुछ नहीं, उसके अगले दिन क्या हुआ तुम सुन के हैरान हो जाओगे। तो उसके अगले दिन मेरे 3 रील्स वायरल चले गए और मेरे वेबसाइट पे भी बहुत सारे विजिटर्स आने लग गए और मुझे 13 ऑर्डर्स मिले। बट मैं फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसमें से जो 6 ऑर्डर थे वो मुझे कैंसिल करने पड़े। पर क्योंकि मेरे वेबसाइट में कैश ऑन डिलीवरी था, इसलिए कुछ कस्टमर्स ने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और या तो उन्होंने अपना एड्रेस कुछ भी इधर उधर का, या फिर वो एड्रेस इनकम्प्लीट था। और क्योंकि उनका जो एड्रेस है वो मेरे पास बराबर नहीं था, इसलिए मैंने उनके सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। तो ऑफिशियली मुझे 7 ऑर्डर्स मिले और उन 7ों के 7ों ऑर्डर्स की एड्रेस एकदम परफेक्ट थी। तो मैं मीशो पे गया, मैंने एक एक ऑर्डर मैन्युअली प्लेस किया, उनके एड्रेस डाले। बेसिकली जब मीशो वाले कस्टमर के घर पे जाएंगे तो उन्हें 210 की बजाय जो मेरी वेबसाइट प्राइस थी 350 वो प्राइस वहाँ पर मांगेंगे और वो बॉक्स पे भी 350 की प्राइस ही लिखी हो। तो उसके बाद फिर जब कस्टमर पे कर देगा तो बाकी के जो 140 रुपीज़ जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे मीशो वाले मेरे बैंक में ट्रांसफर करके दे देंगे। तो ये प्रोसेस काफी सिंपल था। तो मैंने इंस्टाग्राम रील से 2740 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से मेरे को 900 रुपीज़ ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे व्यूज कम हो गए। फिर उसके बाद मैंने 3-4 वीडियोस डाली और उनमें से एक भी वीडियो वायरल नहीं रहा और फिर पता नहीं क्यों मैंने भी बंद कर दिया। अगर तुम लोगों को भी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के बारे में सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहां पे जाके देख सकते हो। तो बस यही था वीडियो। थैंक यू फॉर 30,000 सब्सक्राइबर्स। तो होप तुम्हें मजा आया होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें मेरे अगले वीडियो में।